एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू बी कॉन्फिडेंट एंड दिस इज निशा। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा कर्व्स एंड लैशेस का पहला हॉल एंड रिव्यू वीडियो। सो गाइस, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, निधि कटियार की वेबसाइट है कर्व्स एंड लैशेस, और प्ले स्टोर से आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअली जब ज़्यादा इनएक्सपेंसिव या बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है कि क्वालिटी वाइज कैसे होंगे। तो जस्ट टू चेक मैंने इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया कि देखती हूँ क्वालिटी कैसी है और आपके साथ शेयर करती हूँ, उनके प्राइसेस शेयर करूँगी, उनका रिव्यू एंड डेमो शेयर करूँगी। ये हैं मेरे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने कफ्स एंड लैशेस से ऑर्डर किए हैं। अब ये मत बोलना कि आपने इनको सैनिटाइज नहीं किया, मैंने इनको प्रॉपर सैनिटाइज किया है। इवन जब ये डिलीवर हुआ था तो उसके तुरंत बाद मैंने इसको 4 से 5 दिनों के लिए खुले में रख दिया था विदाउट टचिंग एंड एनीथिंग, और उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइज करके ही मैंने इन प्रोडक्ट्स को ओपन किया है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत करिएगा कि आपने इनको सैनिटाइज किया है कि नहीं किया है। ऑब्वियसली मैंने इनको सैनिटाइज किया है, तभी मैं आपके सामने ये प्रोडक्ट्स लेकर के बैठी हूँ हाथ में। अदरवाइज तो आजकल तो कोई भी चीज़ छूने से भी डर लगता है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, और मैंने जो शेड परचेज किया है वो है 05 मीडियम मॉइन। और गाइज, ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन पर बिल्डेबल कवरेज देता है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपके ब्लेमिशेस को, डार्क स्पॉट्स को अच्छे से कवर अप करता है, और साथ ही ये अल्ट्रा लाइट वेट भी है। सो गाइज, दिस इज़ द हैंड स्वॉच, और हैंड स्वॉच में देखने से तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन के काफ़ी क्लोजेस्ट मैच है। ये मेरी स्किन टोन पर बिल्कुल सही जाएगा जब मैं इसको यूज़ करूँगी, बिकॉज कंसीलर्स हमेशा आपकी स्किन टोन से एक या दो शेड लाइटर ही आपको चूज करना चाहिए, तभी वो आपके ब्लेमिशेस एंड डार्क सर्कल्स को अच्छे से कवर अप करता है। तो जो इस पर प्राइस मेंशन है गाइस वो है 199 रुपीज़, जो कि अल्ट्रा अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप बिगिनर हो, आप अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हो, तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अपनी मेकअप किट बनाना चाहते हो अफोर्डेबल रेंज में, या आप बिगिनर हो तो आप स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये जो मैंने जब ऑर्डर किया था तब ये मुझे मिला था था 175 रुपीज़। तो गाइस, इससे अच्छी डील क्या हो सकती है, आपको 199 रुपीज़ की चीज़ 175 में मिल रही है। नेक्स्ट जो मैंने लिए हैं वो है ये SFR के 2 पैलेट्स, जिसमें से ये पिंक वाले का नाम है जॉ ब्रेकर पैलेट, और ये जो नियॉन काइंड ऑफ कलर पैलेट है इसका नाम है मिनी ब्रेकर पैलेट। पैकेजिंग तो बड़ी प्यारी है और शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। एक्चुअली मैंने इन शेड्स को देखकर ही ऑर्डर प्लेस किया था। आई डोंट नो पिगमेंटेशन कैसा है, मैं अभी चेक करके आपको बताऊंगी कि कैसा पिगमेंटेशन है इसका। बट तो फर्स्ट जो ये शेड है वो कुछ इस तरह से है, बहुत ही लाइट शेड है। आई थिंक ये कैमरा में कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है, बट ये एज अ ट्रांजिशन कलर काम करेगा। थोड़ा सा चौकी है बट ज़्यादा चौकी नहीं है, ठीक। कंसीलर के जस्ट नीचे ये शेड है, तो इसका यूज़ ट्रांजिशन कलर बिल्डअप करने में किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा ये शिमरी शेड है, ये वाला सेकंड वाला, मैं इसको देख रही हूँ लगा करके कि ये कैसा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे तो, और बहुत ही आसानी से ये फिंगर पर आ भी गया, ऐसा नहीं है कि, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है गाइस। और इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स है, लाइक ये शिमरी आई शेडो है, अब आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है। मैंने इतना एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितना ठीक ठीक क्वालिटी है। बहुत अच्छी नहीं है बट जैसा इसका प्राइस है उस हिसाब से तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये जो थर्ड शेड है वो कुछ इस तरह का है, आई थिंक इससे बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब मैं शिमरी शेड तो काफ़ी अच्छे हैं गाइस, मैट में बताती हूँ आपको कैसा है। मैट थोड़ी सी चौकी है गाइस, आई थिंक वो हर पैलेट के साथ प्रॉब्लम होती ही है थोड़ी सी। आप कितने भी अच्छे एक्सपेंसिव पैलेट ले लीजिए, मैट शेड्स में थोड़ा सा चौकीनेस होता ही होता है। शिमरी शेड्स तो बहुत ही प्यारे हैं इस पैलेट के, सारे ही बहुत ही अच्छे से स्किन पर स्टिक ऑन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ग्लाइड कर रहे हैं, कोई भी हार्श पार्टिकल्स नहीं लग रहे हैं। ये मरूनिश बेरी काइंड ऑफ शेड है, ये आप देख सकते हैं मेरी फिंगर पर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली इस प्राइस में, मतलब जब प्राइस ज़्यादा सस्ता होता है तो बिलीव नहीं होता है कि क्वालिटी कैसी होगी, बट काफ़ी अच्छा निकला ये। तो गाइज, इसके तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कलर लगा करके देख लिए हैं, एंड ये स्किन पर बहुत ही अच्छे से स्टिक ऑन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है। आई थिंक ये आइज़ पर भी अच्छा लुक देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हैंड्स पर कुछ और कलर मालूम पड़ता है या कुछ और क्वालिटी मालूम पड़ती, बट जब आइज़ पर लगाओ तो उतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं मिलता है।
और उतने अच्छे से कलर इन्हेंस होकर के नहीं आते हैं आई शेडोज के। तो लेट्स सी कि आईज पर कैसा रहेगा ये। तो मैं जल्दी ही इनका यूज़ करके कोई ना कोई आई मेकअप लुक या पूरा मेकअप लुक शेयर करूँगी आपके साथ। ये जो दूसरा पैलेट है SFR का ही मिनी ब्रेकर पैलेट, इसमें कुछ इस तरह के शेड्स हैं गाइज। बहुत ही प्यारा नियॉन पैलेट है ये। अगेन मैट शेड थोड़े से चौकी है बट बहुत ज़्यादा चौकी नहीं है, और शिमरी शेड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल शेड्स हैं गाइस। अगर आप भी मेरी तरह मेकअप लवर हो तो आप समझ सकते हो कि इतने जो वर्सेटाइल शेड्स हैं गाइस, ये इनसे कितने प्यारे प्यारे मेकअप लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं हर ओकेजन के लिए। और जैसे ये हैंड्स पर इजीली ग्लाइड हो रहे हैं, पिगमेंटेशन दे रहे हैं अच्छा सा, अगर इसी तरह का पिगमेंटेशन ये आईज पर दें तो कितने खूबसूरत लगेंगे। एक्चुअल प्राइस है वो है 399 रुपीज़ ईच, यानी कि एक पैलेट का प्राइस है 399 रुपीज़, और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे मिले थे 225 रुपीज़, यानी कि 44% का ऑफ दिया है, और इस तरह से ये मुझे इस प्राइस में मिले जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास दो पैलेट्स हैं गाइस, वो आपको ज़रूर देखे देखे से लगेंगे, पहले आप देख लीजिए गाइस। ये है SFR कलर ब्यूटी ऑब्सेशन पैलेट, और जैसा कि इनकी पैकेजिंग से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये हुडा ब्यूटी के ऑब्सेशन पैलेट के ड्यूप्स हैं, और पैकेजिंग से इवन इनका नाम भी ऑलमोस्ट सेम है। ब्लू वाले का नाम सफायर ऑब्सेशन है और ग्रीन वाले का नाम एमरल्ड ऑब्सेशन, जो कि आई थिंक हुडा ब्यूटी के पैलेट का भी सेम ही नाम है। मैं आपके सामने ही ओपन करने वाली हूँ अंदर की पैकेजिंग। एक आई शेडो इसमें से ब्रोकन है गाइज, जो कि आई थिंक शिपिंग में हो गया होगा, बट आई विल फिक्स इट। कितने अमेजिंग कलर्स है गाइस, कितने अमेजिंग, मतलब ये तो एग्जैक्टली आई थिंक इन्होंने हुडा ब्यूटी का ही ड्यूप बना डाला है। तो काफ़ी अच्छा पैलेट दिख रहा है मुझे कलर वाइज ये। अब मैं इसके स्वाचेस देखती हूँ कैसा है ये। एक शेड थोड़ा सा चौकी है, जो कि ये येलो लेमन येलो कलर है, वो थोड़ा सा चौकी है। उसके अलावा हाँ, एक जो ब्लू वाला है, जो मैट शेड लाइक जो हमेशा चौकी होते हैं वही चौकी है, अदरवाइज ज़्यादातर जो मेटेलिक और शिमरी शेड्स हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, और बड़ा ही अच्छा पिगमेंटेशन है इनका, लेकिन इनसे बहुत सारे मिक्स एंड मैच करके शेडो लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस। जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। सो नेक्स्ट वाला जो है वो ये ग्रीन वाला है, ये भी ओपन कर लेती हूँ कहीं टूटा हुआ ना निकले। ठीक निकला। सो इसके सारे शेड्स सही सलामत हैं। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखा देती हूँ। मैट शेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक दो शेड थोड़े से कम पिगमेंटेड भी हैं और थोड़े से चौकी भी हैं। आईलिड्स पर अगर कोई अच्छा सा आई शेडो प्राइमर यूज़ किया जाए और प्रॉपर तरीके से आईज़ को प्रेपअप किया जाए, तो जो ये चौकी वाले या जो कम पिगमेंटेड आई शेडोज होते हैं वो भी अपना अच्छा पिगमेंटेशन दिखाते हैं, जब आपने अपने आईलिड्स को अच्छे से प्रेपअप कर रखा हो विद आई शेडो बेस या आई शेडो प्राइमर की हेल्प से। काफ़ी अच्छे शेड्स हैं और बहुत सारे इनसे लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबल डिफरेंट काइंड ऑफ आईशैडो पैलेट्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो गाइस, अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है कफ्स एंड लैशेस पर। तो मैंने जब इनको लिया था तो 50% डिस्काउंट में ये मुझे मिल गए थे। लाइक इनका जो एक्चुअल प्राइस है एक पैलेट का वो है 399 रुपीज़, और क्योंकि 50% ऑफ में ये मिल रहा है आपको 199 रुपीज़ का। जितना मैं मतलब बीइंग अ यूट्यूबर जानती हूँ गाइस, कोई भी आई शेडो पैलेट इतना सस्ता नहीं मिलता है। लाइक मैं जानती हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि आप अपना कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज आई शेडो पैलेट्स। ये चारों ही आई शेडो पैलेट्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं। तो गाइज, मैं जब इसको यूज़ कर लूँगी तभी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको खरीदो कि ना खरीदो, बट फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हो इन स्वॉचेस की हेल्प से तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, बिकॉज प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, 50% ऑफ चल रहा है, तो अगर आपका मन करे तो आप ले सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, मेरा कफ्स एंड लैशेस का पहला रिव्यू एंड हॉल वीडियो, बिकॉज ये मेरा पहला ऑर्डर था कफ्स एंड लैशेस से। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मंगवाया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी इसको शेयर करूं, और इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में है, ऊपर से उसमें ऑफर भी चल रहे हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो से हमेशा अपडेटेड रहें। मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियोज़ के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज मी निशा साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बी यू एंड बी कॉन्फिडेंट।